यहाँ से, और आज हम जाएंगे क्योंकि अब विंटर भी आ रहा है, तो विंटर में बहुत ही, तो अभी यहाँ पर एक दिक्कत हो गई थी। एक और बात जो आपको बता नहीं थी, भूज जाऊंगा शॉपिंग के लिए, तब वहाँ पर बनाऊंगा। अगर चौक्स भी बना लूँ, क्योंकि भूज सिटी है तो बार बार तो जाना होता नहीं है उधर। साहब ये देखो पूरी भरी हुई। तो हमारा आज का नाश्ता, अगर मोबाइल लगाया हूँ तो लोग घूरते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। और फाइनली आज से ये ब्लॉग शुरू हो रहा है काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि थोड़ा ब्रेक लिया था मैंने बीच में। बाकी चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज ये कहाँ जा रहा हूँ वो तो मैं आप लोगों को नोट ब्लॉग पर बताऊँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पर लाइक शेयर कर देना। और चलो अभी रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि अभी मैं जस्ट उठा हूँ और चाय पिया हूँ। बस अब नहाना है और रेडी होना है, और मिलता हूँ रेडी होने के बाद। तो चलो भाई, मैं हो चुका हूँ रेडी और बाइक को मारते हैं कोल स्टार्ट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। राइट नाउ अभी मैं हूँ अपने मामा के घर के पास। यहाँ से हमारे साथ दो भाई हैं, और ये अपनी बाइक बीस्ट, फाइनली इसका नाम अब रख रहा हूँ बीस्ट, क्योंकि और कोई दिमाग में आ नहीं रहा नाम। बस सब रेडी हो चुके हैं, निकलते हैं और मोटरब्लॉग थोड़ा आगे करता हूँ। अभी यहाँ से पेट्रोल भरवाया है 500 रुपये का। बाकी चलो मोटर लॉक करते हैं स्टार्ट। चलो भाई चलने का टाइम, मोटर लॉक स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। तो लीजिए एक और नया सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, और आज हम जाएंगे लखपत तालुका में, और वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह को एक एक्सप्लोर करना है, और मेले में भी जाना है, और नारायण सरोवर और कोटेश्वर अगर हुआ टाइम तो वहाँ पर भी जाएंगे, अदरवाइज़ उसको अवॉइड कर देंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। 2000 सब्सक्राइबर के करीब करीब हैं, 300 के करीब चाहिए अब सब्सक्राइबर, 2000 सब्सक्राइबर होने में। तो जल्दी जल्दी से शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, क्योंकि अब विंटर भी आ रहा है, तो विंटर में बहुत ही मस्त मस्त व्लॉग मैं करने की कोशिश पूरी करूंगा। वाइट रन, रोल टू हेवन और धोलावीरा, ये मैंने अपनी आइटनरी में रखा हुआ है कि मुझे ये विंटर में करना ही है। काफ़ी हवा चल रही है, सामने की साइड जा रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो उस वजह से हो सकता है आवाज़ में मेरे मोटर व्लॉग में हवा की जो है आवाज़ भी आ रही हो, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता खैर। लेकिन आप इंजॉय ज़रूर करेंगे आने वाले सारे व्लॉग्स, मोटो व्लॉग्स, क्योंकि बहुत बढ़िया राइड होने वाली है आज की, और कमाल की लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। एक अननोन लोकेशन को मैं एक्सप्लोर करूंगा आज। बहुत साल पहले हम वहां पर गए थे, तब वो वहां पर पानी नहीं था, तो फ़ोटोस अंदर जाके खिंचाए हैं, वो भी मैं उस वीडियो में मैं लगा दूँगा। और उस लोकेशन को हम आज नाम भी देंगे, क्योंकि उस लोकेशन का कोई नाम भी नहीं है मैप पर, और हो सका तो मैप पर भी उसका पॉइंट है वो लोकेशन का रखने की मैं कोशिश करूंगा जब वो वापस रिटर्न आ जाऊंगा घर। तो कैसे होता है वो पॉइंट रखना मुझे नहीं आता, लेकिन सीख लूंगा यूट्यूब के ज़रिए ही, यूट्यूब में तो हर चीज़ आ जाती है। और मेरे साथ दो मेरे भाई कज़न ब्रदर्स
मामा के लड़के वो जो हैं साथ में वो आगे हैं अपनी साइन के ऊपर, न्यू वाली साइन। और चलो उनसे भी मैं मिलवाऊंगा आपको थोड़ा, अभी आपने क्लिप में तो देखा ही होगा उनको। बाकी इस साइड देखो बहुत ही खूबसूरत व्यूज आपको देखने को मिलने वाले हैं आज इस मोटो व्लॉग में, आए वो दोनों और साथ में इमरान है वो यूट्यूब भी करता है, तो वो भी उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, इमरान बना रहा है वीडियो, यूसुफ चला रहा है बाइक, और यहाँ पर आ गई है नर्मदा कैनाल। वो देखो पानी है थोड़ा बहुत अंदर। रोड की बात करूँ तो रोड बहुत ही अभी तक तो सही नहीं मिला है, बहुत बेकार है, घट्टे कांचे बहुत हैं। तो अभी यहाँ पर एक दिक्कत हो गई थी, सेटिंग में टच हो गया था बट हाथ मेरा, तो उस वजह से रुका कि वीडियोस तो बन नहीं रहा। अभी अगर ऐसे ही अब रुकता रहा तो बहुत लेट हो जाएंगे, वैसे लेट एक घंटा लेट है हम। तो अब हम सीधा नलिया ही रुकने वाले हैं, अब तो डायरेक्ट मैं नलिया ही रुकूंगा क्योंकि अब वीडियोस के चक्कर में पड़ूंगा तो ज़्यादा टाइम होगा, टाइम जाएगा। और हम अपनी लोकेशन पर अपने मेले पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आ चुका है बायत गांव, और यहाँ पर स्लो करना होगा क्योंकि जंप हैं आगे, बड़े बड़े जंप हैं। और ये वीडियो मैं जो है नलिया पहुँचूँगा तब एंड कर दूँगा और वहाँ से दूसरा स्टार्ट करूँगा, क्योंकि नलिया में चाय पानी नाश्ता अराउंड आधे घंटे का तो ब्रेक लग ही जाएगा नलिया में। ट्राई करेंगे कि आधे घंटे से कम हो हमारा ब्रेक, क्योंकि सामने डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, 150 किलोमीटर जितना है अराउंड जाना हमें अभी। ओ भाई ये देखो कितने मस्त लग रहे हैं बेल के पत्ते, और ऊपर गुलाबी कलर के फूल, बहुत ही खूबसूरत। और ये नदी आ गई यहाँ पर, कोई इधर तो पानी भरा हुआ है और इधर भी भाई पानी ने पूरे यहाँ पर जंगली जो है झाड़ियाँ उनको पूरा ऐसे लिटा दिया है। इस बार तो बारिश भी बहुत तगड़ी हुई थी यहाँ पर, तूफान की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। वक्त है तो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी भी बहुत है, बहुत ख़तरनाक। पहले जो गर्मियों में जो गर्मी थी ना वैसी ही पड़ रही है, कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क होगा बस, बाकी बहुत ही ख़तरनाक वाली गर्मी पड़ रही है। अभी सुबह सुबह का वक्त है, 8 बजे हैं, तो अच्छा जो है वो मौसम है, जैसे जैसे सूरज ऊपर आएगा वैसे वैसे गर्मी अपनी परीक्षा लेने लग जाएगी। और बाइक पर तो बहुत ज़्यादा ही होती है, बाइक चलती ही रहती है तब उतना नहीं होता, लेकिन जैसे ही खड़े हुए और कहीं बैठे भाई ख़त्म। दोस्तों कोई तो गांव आ गया, आई थिंक डेटिया है, और गाइस की आदत मुझे निकलती है ही, छपरी वाला लगता है गाइस, तो दोस्तों वाला करना है। बोझाई इस साइड है अपने धनजी भाई का गांव, भाई धनजी भाई आपके गांव के पास से गुजरे हैं हम तो सब्सक्राइब। और ये देखो विंड फार्म कितनी बड़ी है भाई। एक और बात जो आपको बता नहीं थी कि ये सारे व्लॉग ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद जो है कुछ ऐसे व्लॉग भी आएंगे जिनमें मोटर व्लॉगिंग नहीं होगी,
सिर्फ ब्लॉग्स होंगे, वो सिटी के ब्लॉग्स होंगे। अभी मैं 100% श्योर नहीं कह रहा, लेकिन शॉपिंग वगैरह करनी है भुज में, हाँ भुज में होंगे ये मुझे पता है, लेकिन जब भुज जाऊंगा शॉपिंग के लिए तब वहाँ पर बनाऊंगा। अगर हुआ टाइम वगैरह सब देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मैं करूंगा। अगर टाइम नहीं मिलता है तो मैं नहीं कर पाऊंगा मोटो ब्लॉग, और मोटो ब्लॉग तो शायद ना हो, अगर होता है तो आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन सिर्फ व्लॉग होंगे शायद। अभी भी इनकी भी मैं 100% श्योर नहीं बता रहा आपको। और भुज के व्लॉग्स जो है काफ़ी अच्छे मेरे चले थे, जो मैंने 2 साल पहले बनाए थे, अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो वैसे शॉपिंग करने तो जाना ही है एक रीज़न, एक अच्छे फंक्शन के लिए, तो सोच रहा हूँ कि व्लॉग्स भी बना लूँ, क्योंकि भुज सिटी है तो बार बार तो जाना होता नहीं है उधर, और सिटी के अंदर ऐसा नहीं कि बाहर सिर्फ हामिर सर तालाब घूम लिया या फिर जुबेली सर्कल घूम लिया, बड़े बड़े ऐसे रोड्स घूम लिए, वैसे नहीं, सिटी के प्रॉपर अंदर घुस के जो है जाना बहुत कम होता है, बहुत रेयर ही होता है। मैं सिर्फ एक ही बार गया हूँ अंदर, और सोच रहा हूँ कि इस बार भी मैं जाऊँगा तो बनाऊँगा व्लॉग। तो अभी जैसा भी सीन होगा आपको देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट हुआ या नहीं, क्यों ना मोबाइल ना बहुत दिक्कत करता है। अब GoPro का भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि GoPro ले लूँ, क्योंकि मोबाइल से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, खासकर इस वाले हेलमेट में जो मैंने न्यू वाला लिया है ना, इसमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मोबाइल पूरा दिखता नहीं है, बस कोने कोने दिखते हैं, तो उसको अंदाजे से मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को एंड करता हूँ, तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होती है जब राइड करता हूँ तो। और कई बार तो बहुत बार तो रुकना पड़ जाता है देखने के लिए कि वीडियो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सारे रीजंस आ रहे हैं नए वाले हेलमेट के साथ, लेकिन हेलमेट चेंज नहीं करना चाहता मैं, तो इसीलिए मैं GoPro थोड़ा सस्ता वाला वो लेने का मैं प्लान कर रहा हूँ। तो देखते हैं, अभी पीछे देख गड्ढे पर चली गई बाइक। साहब इधर क्या हुआ, पुल बंद है भाई, ऑफ रोड तगड़ा हुआ था, ऑफ रोड ये बारिश का काम है भाई, बारिश में पूरा पुल लगता है ख़त्म हो गया है। चलो देख ही लेते हैं आज। ओ भाई साहब, ओ देखो बीच से नीचे ढह गया है थोड़ा, पूरा गिरा नहीं है लेकिन ढह गया है। और ये भाई ट्रक वाला पूरा फंसा है इधर, बहुत बुरा फंसा है, इसे चढ़ नहीं पाएगा। अरे ये क्या हुआ भाई साहब, ये लोग तो पुल से निकल आए, पुल तो नीचे गया, पुल तो टूटा हुआ था लेकिन ऊपर से कैसे आए भाई, वाह भाई वाह क्या। ओ भाई यहाँ पर देखो, ये आई बड़ी नदी, वंडी वाली नदी कुछ ऐसा ही कहते हैं इसको, लेकिन कच्ची में कहते हैं, तो हिंदी में प्रनाउंस करना थोड़ा फनी लगता है, वंडी वाली वंडी तो इसकी भी आदत लगता है ख़त्म हो चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि पानी भाई बहुत था, पानी बहुत था, उनको साइडों से निकाल दिया है। और भाई साहब ये देखो पूरी भरी हुई है, ये देखो, और उधर पूरी रेत ही रेत, एक नंबर। क्या बात है भाई, उधर पूरी रेत है, इधर पूरा पानी है, स्विमिंग करें क्या तो यहाँ पर चल रुके हैं थोड़ा, इमरान भाई सीन ले ले नदी का, और अपनी बाइक यहाँ पर इसकी हवा चेक करता हूँ, ठीक है सही है, पैस पहला लगा थोड़ा वोबल कर रहा है टायर, आगे भी सही है, चलो चलो बढ़िया है भाई। वरालिया पहुंचने को आए हैं, और टाइम हो रहा है 8:30, और देखो भाई साहब
आपका बच्चे खड़े हैं भाई। और अबे मुझे हम अगर 8:45 तक पहुंच जाते हैं नलिया तो वहां पर 9:15 तक जो है हम निकल जाएंगे, ऐसा मैं करूंगा कोशिश, क्योंकि एटलीस्ट हमें अननोन जिस जगह पर जाना है, जिस जगह को एक्सप्लोर करना है, वहाँ पर कम से कम 1.5 घंटा तो लगने ही वाला है। तो इस हिसाब से मैं थोड़ी कर रहा हूँ बाइक पर स्पीड, हालांकि उतनी नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा रह रहे करके निकल जाऊँ, थोड़ी सी जो नॉर्मली होती है 70-80 उतनी से ही चला रहा हूँ। और ये वराडिया आ गया था तो सामने है नई नई ताजी ताजी गर्मा गर्म ट्रेन की पटरियां, रेलवे स्ट्रिप जो नई नई बनी हुई है, और रोड भी चेंज कर दिया है इसका फिलहाल, तो देखते हैं क्या सीन है। ओ भाई साहब इतना मोटा जंप, अबे क्या हुआ ये देखो, कलर की भी अभी तक सुगंध आ रही है, वाह क्या बात है। वो रोड बंद कर दिया, ये नया स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर, और सामने क्रिकेट भाई, कोठारा प्रीमियर लीग चल रही है यहाँ पर, क्रिकेट डे नाइट चल रही है, वो भी किसी के प्राइवेट घर में, खेत ही होगा मेरे ख्याल से। चलो बढ़िया है, खेलो यार क्रिकेट भी तो मुझे भी करना है, अब विंटर आ रहा है ना तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जाऊंगा, लोग दोस्त लोग तो जाता ही है, मैं भी जाऊंगा वहां पर खेलने के लिए। A few moments later. तो हमारा आज का नाश्ता, और यहाँ पर ये तो टूट पड़ेंगे। सर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों चाय नाश्ता कर लिया हमने, ले लिया हमें, और अब निकल रहे हैं वापसी अपने राइड पर, अपने फर्स्ट लोकेशन की ओर। वीडियो एंड नहीं कर पाया हूँ तो सोच रहा हूँ कि आगे जाके एंड कर दूँ, थोड़ा वहाँ पर सर्कल आता है ना वो दिखाऊँ आपको, उसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूँ और डायरेक्ट ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा जो है थोड़ी ट्रैफिक वगैरह भी लगी हुई थी, लोग भी घूर रहे थे भाई, क्या अगर मोबाइल लगाया हूँ तो लोग घूरते हैं, ये भी हो गया अच्छा एक्सपीरियंस। चलो आज शायद कोई होगा नहीं मोटर व्लॉगर नलिया में, तो मुझे नहीं पता, कोई है तो बताना नलिया का मोटर व्लॉगर। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इतनी धूप में, इतनी कड़क दी धूप में आपके लिए कंटेंट निकाल रहा हूँ। तो ये रहा वो सर्कल, और यहाँ से हमें जाना है सीधा सीधा जाके फिर ऐसे मुड़ जाना है, और अब 9:15 बज चुके हैं। चलो बढ़िया है, जो टाइमिंग मैंने सोची थी उसी टाइमिंग पर निकले हैं, लेट पहुँचे लेकिन टाइम से वही निकल गए जो मैंने सोच रखा था कि 9:15 बजे हम निकल जाएंगे। तो वाला वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मिलते हैं हम ऐसे नए ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।
राइड सेफ, गुड बाय।